इम्पोर्टेंस कोर्ट की तरफ से जो है एक शानदार वैकेंसी निकल के आ रही है। अपकमिंग वैकेंसी फ्रेंड्स अभी इसका ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है इसका जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, केवल मैट्रिक पास बच्चों के लिए या बच्चियों के लिए जो है ये वैकेंसी होने वाला है। 3,065 पदों वैकेंसी निकल के आ रही है। जी हाँ, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प है क्या। तो ये फ्रेंड जो है आर्मी का ही एक हिस्सा होता है। जब भी युद्ध होता है ना, तो उस समय ये लोग हथियार पहुंचाने का काम करते हैं। गोला बारूद जो भी होता है ये लोग जो है युद्ध जो मैदान होता है वहां पे ये लोग पहुंचाते हैं। तो इनका मेन वर्क यही है। आप जो है विकिपीडिया पे सर्च करेंगे ना आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में निकल के आ रही है। और ये केवल मैट्रिक पास पे, सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी है, परमानेंट जॉब होने वाला है। आइए जानते हैं इस वैकेंसी में जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका मॉडल पेपर भी समझेंगे, साथ ही साथ हम इसका एग्जाम सेंटर समझेंगे और भी इसके इम्पोर्टेंट अपडेट को हम यहाँ पे समझने वाले, फॉर्म कब से फिलअप होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन समझेंगे। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स AOC रिक्रूटमेंट 2022 3,068 पोस्ट जो है यहाँ पे टोटल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। और ये जो है बहुत ही शानदार वैकेंसी है 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए। इसमें दो तरह के ट्रेड है, एक है ट्रेड्समैन, एक है फायरमैन। यही दो तरह के पदों वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर आपका उम्र मिनिमम जो है 18 वर्ष है, मैक्सिमम 25 वर्ष है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प सेंटर सिकंदराबाद, ये सिकंदराबाद की वैकेंसी है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है टेंटेटिव वैकेंसीज निकाली गई है। और ये बोला गया कि फॉलोइंग आर टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर विच पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट अंडर प्रोसेस। अभी जो है ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन नहीं किया गया है, ये केवल इनके वेबसाइट से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो है इसका आवेदन नहीं स्टार्ट किया गया है। ये इन्होंने बताया कि कितनी वैकेंसी जो यहाँ पे रहेगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बोला गया कि ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,313 पद रहने वाले, केवल 10वीं पास, बस सिंपल 10वीं पास है तो आप आवेदन यहाँ पे करेंगे। फायरमैन की वैकेंसी जो की 656 पदों वैकेंसी यहाँ पे निकल के आएगी जो कि 10वीं पास पे है। उसको से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसमें जो है 99 पद आपको रहने वाले हैं। टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें जो वैकेंसी है वो जो है आपको 3,068 पदों वैकेंसी निकाली गई है। और सैलरी भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ट्रेड्समैन मेट की सैलरी जो है 18,000 से लेकर 56,900 आपको सैलरी रहने वाला है। और इसमें देखिए विकलांग को भी यहाँ पे मौका मिलेगा, PWD विकलांग के लिए 93 पोस्ट रिजर्व है, OH और VH कैटेगरी के विकलांग को, और MSP और ESM यानी एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे अलग से वैकेंसी को रिजर्व करके रखा गया है। फायरमैन की वैकेंसी में देख सकते हैं सैलरी 18,900 से लेकर 63,200 सैलरी रहने वाला है। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो पोस्ट है उसमें 18,900 से लेकर 63,200 आपको सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। ये फ्रेंड जो है वैकेंसीज का बस डिटेल यहाँ पे, बस इतना ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर हम बात करें इसके वेबसाइट पे, तो ये वेबसाइट है फ्रेंड्स, यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। लेकिन अभी ऑनलाइन का डेट नहीं जारी किया गया है, अभी जो है ये अंडर प्रोसेस है। बहुत ही जल्द आपको जो है एडवर्टाइजमेंट निकाली जाएगी पब्लिकली, फिर आपको जो है इसका ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो काफी शानदार वैकेंसी है। अब हम यहाँ पे समझते हैं फ्रेंड्स इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। 18 से 25 वर्ष रखा गया है, एज रिलैक्सेशन आपको अपर एज में मिलेगा। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसीज के बारे में बताया गया। साथ ही साथ आप नीचे आएंगे तो ट्रेड्समैन मेट के लिए 10वीं पास सिंपल बोला गया है, फायरमैन के लिए बोला गया 10वीं पास, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12वीं पास। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बोला गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं फिजिकल होगा, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी चार फेज में आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम सेंटर की बात करें तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये इसका एग्जाम सेंटर है, जो कि इसी के वेबसाइट से डाउनलोड आप कर सकते हैं, जो कि हर एक जगहों पर इसका एग्जाम सेंटर आने वाला। अगर आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे आसाम स्टेट से आते हैं तो आसाम में ये 3 जगह आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। नागालैंड में है, दीमापुर में, दिल्ली में, दिल्ली कैंट होगा, गुजरात जो है अहमदाबाद और भुज में होगा। इसी तरह से आप महाराष्ट्र से हैं तो पुणे आपको जो यहाँ पे एग्जाम सेंटर, मुंबई और पलगांव आपको देखने को मिलेगा। पंजाब के हैं तो पंजाब में इतने सारे जगहों पे आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा, इलाहाबाद, बरेली, झांसी, कानपुर, इन सब जगहों पे एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। ये सारे स्टेट्स हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इजिली चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहने वाला है। तो ये फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर्स आपको बताए गए हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम सेंटर्स आप एक बार जरूर चेक करेंगे, इन्हीं में से कहीं एक ही जगह आपको एग्जाम देने जाना होगा।
जो भी यहाँ पे आपका वैकेंसी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके जो वैकेंसी है उसके बारे में और इसके आगे की डिटेल्स के बारे में। एग्जाम पैटर्न अब बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में बोला गया कि द पेपर विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन, यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो है मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस आपको रहेंगे रिटन एग्जाम में। और यहाँ पे जो बोला गया क्वेश्चन विल बी सेट बोथ एंड हिंदी इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका जो है ये लैंग्वेज में रहेगा एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जनरल इंग्लिश में ही रहेगा और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर एज शोन बिलो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेंगे, एक ही पेपर रहेगा, दो घंटे का आपको समय मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। स्पेशलाइजेशन टॉपिक, जैसे मान लीजिए आप फायरमैन से आवेदन करेंगे तो फायरमैन से क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आप ट्रेड्समैन से आवेदन करेंगे तो ट्रेड्समैन से आपको क्वेश्चंस रहेंगे, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, 150 टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, 150